Hey friend, this is Anam और आप देख रहे हैं अनम जुहा ब्लॉग्स। आज हम आपको एक्सप्लोर करवाते हैं लखनऊ का क्लॉक टावर, तो चलिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं हम आ गए हैं क्लॉक टावर में और ये देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है पूरा। क्लॉक टावर की ओपनिंग 1881 में हुई थी और ये 67 मीटर लंबा है। आप देख सकते हो वे 142 साल हो गए हैं, 142 ईयर्स, और वैसे के वैसे ही है, बस इसकी क्लॉक रिपेयर हुआ करती है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जस्ट क्लॉक टावर के पास हमारे यहाँ पे अवधि आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक अच्छी सी हवेली बनी है और नीचे पॉन्ड बने हुए हैं, तालाब है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। अभी हम वहाँ पर आपको जाकर भी दिखाएंगे। यहाँ से व्यू देख सकते हैं कितना खूबसूरत आ रहा है, पूरा आपको अवधि आर्किटेक्चर दिख रहा है यहाँ से। इधर क्लॉक टावर है, यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही है और अब इवनिंग के टाइम यहाँ पर हैंग आउट करने लोग आते ही हैं। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी धूप है तो थोड़े लोग कम दिख रहे हैं, बट इवनिंग के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है। कोई पीसफुल प्लेस चाहिए शाम के टाइम तो आप यहाँ पर आकर देखिए, यहाँ पे जीने ऐसे बने हुए हैं और इस पर लोग बैठते ही हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे रहते हैं, मैं अभी कवर करती हूँ वीडियो में, और यहाँ पर आप आके इंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से और व्यू ले सकते हैं। पूरी अवधि आर्किटेक्चर अगर आपको देखना है तो दिस इज द बेस्ट व्यू। सो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं क्लॉक टावर और आपको हम पास से दिखाते हैं वो कैसा है। बाकी आपने यहाँ पर अवधि आर्किटेक्चर देख लिया और इस तालाब के पास आकर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगी और जो भी लखनऊ आता है तो वो इस प्लेस को जरूर कवर करता है। क्लॉक टावर के सामने खड़े और ये पीछे मेरे क्लॉक टावर है जो कि सबसे लंबा टावर है लखनऊ में, और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं लोग जरूर यहाँ पर आते हैं और ये अब हैंगआउट प्लेस बन चुकी है लखनऊ की। देख सकते हैं इस टाइम क्लॉक टावर पे क्या टाइम हो रहा है, इस टाइम यहाँ पे यहाँ की क्लॉक खराब है इस टाइम भी, तो ये बीच बीच रिपेयर हुआ करती है और यहाँ पे लोग पिक्स लेते हैं एक दूसरे की। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब हैंगआउट करने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंगआउट के लिए सब आते हैं और ये छोटी छोटी यहाँ पे कार भी है, आपके बच्चे वगैरह चलाते हैं यहाँ पर, बाकी टॉयज वगैरह मिलते हैं। बाकी ये पूरा स्ट्रीट फूड हब है लखनऊ, हुसैनाबाद की चटोरी गली कह सकते हैं आप इसे, पूरा कवर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉर्स हैं, कैमल भी है आगे, यहाँ पे हॉर्स आप ले सकते हैं राइड पे, और ये पूरा टॉयज मिल रहे हैं स्ट्रीट फूड। और जैसे जैसे शाम होती है यहाँ पे आपको और ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स दिखेंगे। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट चाट भी मिल रही है और पपाया है, वाटरमेलन, पाइनएप्पल भी है। इस टाइम हम जा रहे हैं यहाँ पे तांगा राइड करने। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको कैमल राइड, हॉर्स राइड, तांगा राइड, आप जो सी भी राइड करना चाहें आप कर सकते हैं, तो हम जा रहे हैं तांगा राइड करने। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्यूट सी डॉग्स भी मिल रही थी तो मैंने छोटी सी क्लिप कवर कर ली। हम तांगा राइड कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है इसका? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने तांगा राइड नहीं की, मैंने कैमल राइड की है, पर तांगा राइड मेरा फर्स्ट टाइम है और मेरे शहर लखनऊ में। हमारा बोलते इधर से तीन फीट चार फीट की बिल्डिंग है बेटा जी, जब आप उधर से देखेंगे तो एक स्टोर ही एक गेट दिखेगा, इसका नक्शा चेंज हो जाएगा बेटा। जो गदर मूवी आपने देखी होगी जी हाँ, लाहौर में यही गेट बनाया पाकिस्तान,
और ये रिपेयर हो रहा था। ये रिपेयर ये बना किस चीज का है? ये गोल है, आटे की सुर्खी है, पैरट है, चूल्हा है। चूल्हा देख सकते हैं आप, थोड़ी थोड़ी डिटेल हम सबको बता रहे हैं। हम तो लोकल है फिर भी हम जान रहे हैं, तो मैं आप सबको दिखाने के लिए मैंने ये राइड करी है कि आप लोग भी देखिए लखनऊ पे टांगा राइड करके कैसा लग रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि जो सड़कें ना काफी स्पेशल बनवाई गई है। पहले ये पक्की सड़क थी, उसे तुड़वा के इन्होंने कच्ची सड़क बनवाई हुई है, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पुराने जमाने में होता था कि कैमल है, हमारा हॉर्स है, इन सबकी राइड हो सके आसानी से। और ये काफी देखिए अच्छी बनी हुई है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पर टांगा राइड कर सकते हैं। मुझसे बोला था मैं नहीं करूंगी, मैंने कहा शायद तो करो, अच्छा लग रहा है। एक तो इसकी स्पीड बहुत अच्छी है ना, यहाँ पर बहुत काफी स्पीड बहुत अच्छी है, अच्छा लग रहा है। गाइस आप जरूर आइएगा लखनऊ तो ट्राई करिएगा टांगा राइड। इस घोड़ी का नाम है काजल, जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी है। काफी प्यारा टांगा है इनका। तो नवाब साहब अपनी बेटी के लिए ये बनवा रहे थे बिल्डिंग, और इसमें पूरी 5 बिल्डिंग बननी थी, मंजिल बननी थी आप देख सकते हैं, लेकिन 4 ही बनकर उनकी बेटी की डेथ हो गई, तो ये काम इनका रुक गया जब से। और इसको जो सतखंडा कहते हैं लखनऊ का। तो ये फ्रेंड भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पे चांद भी देखने लोग आते हैं, जैसे ईद का चांद देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, बट इसका काम रुक गया था, वरना ये बिल्डिंग अभी और भी बड़ी होती। सो फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। बाय बाय बाय।